नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोलकाता में टेस्टिंग कराने वाला हर दूसरा व्यक्ति निकला पॉजिटिव। राज्य में महीने भर में संक्रमण की रफ्तार हुई 5 गुना। जी हां दोस्तों, चुनावी राज्य बंगाल में कोरोना कहर ढा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में RT-PCR टेस्ट कराने वाला हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। वहीं राज्य की बात करें तो सैंपल देने वाले हर 4 में से एक व्यक्ति जांच के दौरान संक्रमित मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में RT-PCR टेस्ट कराने वाली एक बड़ी लैब के डॉक्टर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में पॉजिटिविटी रेट 45% से 55% तक पहुंच गया है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में यह 24% के करीब है। दोस्तों राज्य में 1 अप्रैल को 25,766 सैंपल की जांच के दौरान केवल 1274 सैंपल पॉजिटिव मिले थे, तब पॉजिटिविटी रेट 4.9% था। शनिवार को 55,060 सैंपल जांचे गए, जिनमें से 14,281 पॉजिटिव मिले। संक्रमण की दर यह 25.9% है। सीधे शब्दों में कहें तो अप्रैल की शुरुआत में जांच कराने पहुंचने वाले 20 में से केवल एक व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहा था, यानी तब प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 5% था, लेकिन अब यह 5 गुना बढ़ गया है और इसका मुख्य कारण बंगाल चुनाव और इसमें होने वाली रैलियों को माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की जमकर हो रही है कालाबाजारी। दिल्ली, UP, MP, बंगाल में पुलिस ने की छापामारी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के खतरे के बीच देश के कई अस्पताल मेडिकल ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं। वहीं मानवता के दुश्मन इस मुश्किल घड़ी यानी कि आपदा में कमाई का मौका देख रहे हैं। हालात ये हैं कि ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अनिल कुमार नाम के शख्स के घर पर छापामारी के दौरान ऑक्सीजन के 48 सिलेंडर जब्त किए। आरोपी अनिल बड़े सिलेंडर से ऑक्सीजन छोटे सिलेंडरों में भरकर बेचता था। अब पुलिस ने आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोस्तों कोलकाता में लाइफ सेविंग ऑक्सीजन की जमाखोरी की खबरों पर पुलिस ने कार्यवाही की। मनिक तालाश क्षेत्र में रेड के दौरान कोलकाता पुलिस ने 52 किलो वजनी 13 खाली मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर और 15 किलो वाले 2 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं। इस सिलसिले में पुलिस की पड़ताल जारी है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश, पुणे, UP, बिहार, सूरत आदि जगहों पर भी जमाखोरी के मामले में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को इसकी घोषणा भी कर दी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार 18 से 45 वर्ष के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला कर चुकी है। वहीं दोस्तों देश में 1 मई से कोरोना वैक्सीन का अगला चरण शुरू हो रहा है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को कोविड वैक्सीन दी जा सकती है। दोस्तों इस कदम से राजस्थान सरकार पर 3,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले की जानकारी ट्विटर पर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब हरियाणा के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 मरीजों की हो गई मौत। जी हां दोस्तों, हरियाणा में रेवाड़ी के एक प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 मरीजों की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की है। इस घटना के बाद कोविड अस्पताल की बिल्डिंग के बाहर जान गंवाने वाले मरीजों के कुछ रिश्तेदारों ने धरना प्रदर्शन किया। जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों ने अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत का आरोप लगाया है। अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि 3 मरीजों की मौत ICU में जबकि 1 मरीज की मौत वार्ड में हुई है। हमारे पास ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति है, हम लगातार प्रशासन को इस बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम खाली ऑक्सीजन सिलेंडर को 2 बार भरने के लिए वेंडर के पास भेज रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी सरकार के दावों की जनता ने खोल दी पोल, कहा कहीं नहीं मिल रही ऑक्सीजन और रेमडेसिविर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई भगवान भरोसे चल रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी है। हालांकि योगी सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा की कोई कमी नहीं है। ABP न्यूज ने प्रदेश के 4 शहरों नोएडा, लखनऊ, कानपुर और मेरठ में योगी सरकार के इस दावे की पड़ताल की, जहां जनता ने योगी सरकार की पूरी पोल खोल दी। जनता का कहना है कि कहीं भी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है, अधिकतर जगहों पर ऑक्सीजन की कमी है और रेमडेसिविर तो कहीं पर भी नहीं मिल रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई में लगातार तीसरे दिन घटे कोरोना के नए मरीज, रिकवरी रेट भी बढ़ा। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच मुंबई से राहत की खबर आई है। मुंबई के लिए रविवार लगातार तीसरा दिन रहा जब नए कोरोना संक्रमितों की संख्या पिछले दिन के मुकाबले कम रही, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही। इसका नतीजा यह रहा कि मुंबई में रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी की गई। ये राहत की खबर इसलिए भी है क्योंकि इस महामारी की सबसे भयानक मार मुंबई ने ही झेली है, और जब देश कोरोना की दूसरी लहर झेल रहा था ऐसे वक्त में ये आंकड़े थोड़े राहत देने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, रविवार शाम को जारी बुलेटिन के मुताबिक मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,542 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 64 मरीजों की मौत भी हुई है। 8,478 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, जबकि इससे एक दिन पहले यहां शनिवार को 5,888 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टाटा, बिरला, अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लिखी चिट्ठी, दिल्ली के लिए मांगा ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में कोरोना संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ऐसे में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश भर के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने के बाद अब देश के बड़े उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की मांग की है। टाटा, बिरला, अंबानी, बजाज, हिंदुजा, महिंद्रा और कई बड़े उद्योगपतियों को लिखी चिट्ठी में सीएम केजरीवाल ने उनसे ऑक्सीजन के लिए सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन और टैंकर हो तो दिल्ली सरकार की मदद करें, ऐसे समय में आपसे जो भी सहयोग हो सकता है जरूर कीजिए। इससे पहले भी दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने देश के तमाम सीएम यानी कि मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की मांग की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल भेजने की अपील पर अमेरिका ने कहा, पहले हमारे नागरिकों का वैक्सीनेशन है जरूरी। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया था। पूनावाला के इस अनुरोध पर अब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन प्रशासन का पहला दायित्व अमेरिकी लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका भारत की जरूरतों को समझता है, लेकिन अमेरिकी लोग उसकी प्राथमिकता में हैं। पहले अमेरिकी लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। प्राइस ने कहा कि बाकी दुनिया के मुकाबले अमेरिकी जनता कोरोना से ज्यादा प्रभावित है। अमेरिकी जनता का वैक्सीनेशन न सिर्फ अमेरिका बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी लाभकारी होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन जीवन रक्षक उपकरण भारत को भेजेगा, कोरोना से जंग में हर संभव सहायता का दिया भरोसा। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन कोरोना वायरस की सुनामी से जूझ रहे भारत की मदद के लिए जीवन रक्षक उपकरण भेजेगा। उसने कोरोना से जंग में हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर रविवार रात को रवाना कर दिए गए हैं। भारत के अनुरोध के बाद ब्रिटेन ने सहायता का यह कदम उठाया है। दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन का राहत का पहला पैकेज मंगलवार तक दिल्ली पहुंच जाएगा। इसके बाद कई और चरण में राहत सामग्रियां आएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ग्रेटा थनबर्ग ने भारत के हालात पर जताया दुख, कहा हिंदुस्तान की करें मदद। जी हां दोस्तों, स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में कोरोना के कहर पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर दुनिया भर के देशों से भारत की सहायता का भी अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत में कोविड की ताजा स्थिति को सुनकर बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि वैश्विक समुदाय को कदम उठाने चाहिए और तुरंत आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्रेटा थनबर्ग किसान आंदोलन के दौरान विवादित टूल किट को प्रकाशित करने के बाद विवादों में घिरी थी। बीजेपी के नेताओं समेत कई लोगों ने आरोप लगाया था कि भारत विरोधी साजिश के तहत ये टूल किट प्रसिद्ध हस्तियों के जरिए शेयर कराए जा रहे हैं, जिसके बाद इसे बनाने वाले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। हालांकि उसमें ग्रेटा का नाम शामिल नहीं था, और जिसका भी नाम शामिल किया गया था उसे भी बाद में कोर्ट से राहत मिल गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में ऑक्सीजन पर तकरार, गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए आरोप, कहा बीते एक साल में क्या किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली में लगे लॉकडाउन को एक सप्ताह और आगे बढ़ाने पर बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। गौतम गंभीर ने कहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। गौतम गंभीर ने कहा कि जो एक साल आपको वक्त मिला था आपने क्या किया, अब आप सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं। आपको दिल्ली में 8
ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे, आपने सिर्फ एक ही लगाया। आपके नोडल अफसर लोगों के फोन नहीं उठाते हैं। गंभीर ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन का मैं भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन आपने बीते एक साल में क्या किया है? मैं आज भी सिर्फ जनता की सेवा करने की बात कर रहा हूं। दिल्ली को केजरीवाल जी ने खत्म कर दिया, सिर्फ विज्ञापन करते हैं लेकिन एक दिन जनता जवाब देगी। उन्होंने कहा कि हम 22 पूसा रोड पर हमारी संस्था के ऑफिस से फेबी फ्लू बांटेंगे। मेरी फाउंडेशन के साथ जो लोग जुड़कर काम करना चाहते हैं उनका स्वागत है। फेबी फ्लू अब हमारे पास अच्छी संख्या में है। हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी और ज्यादा खरीदेंगे। हम पूरी दिल्ली के लोगों के लिए मदद करेंगे। हम राशन और खाना भी देंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 14,65,76,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 31 लाख को पार कर गई है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमरीका अव्वल है। अमेरिका में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,20,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, रशिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,69,60,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,92,000 के पार है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान आए नए मरीजों की संख्या की बात की जाए तो वह लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,49,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में 42 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की नई मुहिम, ताकि जरूरतमंदों को मिले ऑक्सीजन, बेड और दवाइयां, साथ मिलकर मदद करें पूरा देश। जी हां दोस्तों, बीते एक साल से जब से देश में कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, सोनू सूद लगातार चर्चा में रहे हैं। अभिनेता को कई जरूरतमंदों की ओर से आज दुआएं दी जा रही है और वजह है उनकी ओर से बढ़ाए गए मदद के हाथ, जो कि मुश्किल के समय में लोगों का सहारा बने हैं। लोगों को घर भेजने से लेकर मेडिकल इमरजेंसी तक हर स्थिति में सोनू ने कई लोगों को सहारा दिया है। इन दिनों देश में मरीजों की संख्या से चरमराता स्वास्थ्य ढांचा चर्चा में है और कई लोगों को जरूरत पड़ने पर भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। साथ ही अस्पताल में बेड की व्यवस्था करने में भी लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी दवाइयों का हाल भी अच्छा नहीं है। इस बीच सोनू सूद ने एक बार आगे आते हुए एक नई मुहिम शुरू की है, जिसकी जानकारी अभिनेता ने सोशल मीडिया पर दी है। दरअसल दोस्तों सोनू सूद ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया है। अभिनेता ने हाल ही में एक ट्वीट किया और लिखा कि अब पूरा देश साथ आएगा, जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर, इंडिया फर्स्ट विद कोविड पर हाथ से हाथ मिलाएं, देश को बचाएं। इस ऐप के जरिए सोनू जरूरतमंद लोगों को हॉस्पिटल में बेड, दवाइयां और ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज बौछारें गिरी है। तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जबकि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिली है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत का मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, जानिए क्या है आज सोने और चांदी की कीमतें। दोस्तों पिछले दो दिनों से सराफा मंडियां बंद है, हालांकि दोस्तों हम उससे पहले का सोने का भाव आपको बता देते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 305 रुपए घटकर 46,756 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 113 रुपए गिरकर 67,923 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। जबकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,768 प्रति औंस जबकि चांदी $25.90 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में कोरोना का कहर, पाकिस्तान ने दिया वेंटिलेटर समेत कई उपकरणों का ऑफर। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मचे हाहाकार को देखते हुए पाकिस्तान ने मदद की पेशकश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार को रात एक ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस की वर्तमान लहर के मद्देनजर भारत के लोगों के साथ एकजुटता के संकेत के रूप में पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर राहत व समर्थन की पेशकश की है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान सरकार की ओर से मदद की पेशकश से पहले ईदी फाउंडेशन सामने आया था। इस फाउंडेशन ने भारत में कोरोना से जूझ लोगों की मदद करने का ऑफर दिया था। ईदी फाउंडेशन के चेयरमैन फैसल ईदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर भारत में अपनी टीम को भेजकर मदद की पेशकश की थी। शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोविड-19 की वर्तमान लहर के मद्देनजर भारत के लोगों के साथ एकजुटता के संकेत के रूप में पाकिस्तान ने वेंटिलेटर, पीएपी, डिजिटल एक्सरे मशीन, पीपीई और अन्य संबंधित वस्तुएं सहित भारत को आधिकारिक तौर पर राहत व समर्थन की पेशकश की है। साथ ही यह भी कहा है कि हम मानवता पहले की नीति में विश्वास करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्मोकिंग करने वाले वेजिटेरियन लोगों में संक्रमण का खतरा कम, CSIR की स्टडी का है दावा। जी हाँ दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR की ओर से कराए गए एक सर्वे में सामने आया है कि धूम्रपान करने वाले और वेजिटेरियन लोगों में कोविड-19 के संक्रमण का खतरा कम रहता है। सर्वे में पाया गया है कि कोरोना वायरस भले ही सांस से जुड़ी बीमारी है, लेकिन स्मोकिंग इससे बचाने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि धूम्रपान से म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है। सर्वे में यह भी पाया गया कि फाइबर युक्त शाकाहारी भोजन कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी देने में भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसमें पेट के बैक्टीरिया में बदलाव करते हुए एंटी फिल्मलेटरी की तरह काम करने की खूबी होती है। दोस्तों 140 डॉक्टरों और रिसर्च वैज्ञानिकों की टीम ने SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी की मौजूदगी और संक्रमण के संभावित रिस्क फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने की उनकी क्षमता का पता लगाने के लिए स्टडी की। इस स्टडी में शहरों एवं सेमी अर्बन एरिया में CISR की 40 से ज्यादा लैब और केंद्रों में काम करने वाले और उनके परिवार के सदस्यों समेत कुल 10,427 लोगों को शामिल किया गया था। इन सभी ने स्वैच्छिक रूप से अध्ययन में हिस्सा लिया था। दोस्तों इससे पहले भी फ्रांस में 2 स्टडी और इटली, न्यूयॉर्क और चीन में ऐसी ही रिपोर्ट में स्मोकिंग करने वालों में कोविड संक्रमण के कम खतरे की बात सामने आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IPL 2021 CSK वर्सेस RCB तूफानी अर्धशतक जड़ने वाले जडेजा ने झटके 3 विकेट, बेंगलोर को मिली पहली हार। जी हाँ दोस्तों, IPL 2021 के 19वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुर को 69 रनों से हरा दिया। इस सीजन में चेन्नई की यह लगातार 4th जीत है, वहीं बेंगलोर की पहली हार है। इससे पहले बेंगलोर ने लगातार 4 मैचों में जीत दर्ज की थी। चेन्नई ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 191 रन बनाए थे। इसके जवाब में RCB निर्धारित ओवरों में 9 विकेट पर मात्र 122 रन ही बना सकी। दोस्तों चेन्नई की जीत के हीरो रहे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। दोस्तों जडेजा ने पहले सिर्फ 28 गेंदों में नाबाद 62 रनों की विस्फोटक पारी खेली और फिर गेंदबाजी में 4 ओवर में 1 मेडिन के साथ 13 रन देकर 3 विकेट भी झटक डाले। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों क्या आप जानते हैं IPL की शुरुआत कौन से ईयर से हुई थी? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि IPL की शुरुआत भारत में कौन से साल से हुई थी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लें और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल IFC नॉलेज को। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।